चाणक्य IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर, जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है। हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ हुआ है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह नीति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति की मदद से भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी, जो वर्तमान में अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अगर इस नीति की पृष्ठभूमि की बात करें तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है। देश और विदेश के बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए यह नीति अति आवश्यक थी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के उद्देश्य क्या हैं? तो अमेरिका और अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत की रसद लागत काफ़ी अधिक है। इस नीति की मदद से इस लागत को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में लगभग 14-15% है। इसका उद्देश्य आगे आने वाले 5 वर्षों में इसमें लगभग 8% तक की कमी लाना है, यानी कि लागतों में कटौती करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की मदद से अंतिम छोर तक जल्द वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही परिवहन संबंधी चुनौतियों का भी समाधान किया जाएगा। इसकी मदद से रसद निर्माताओं के समय और धन की बचत के उपाय किए जाएंगे। इस नीति के तहत कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने के भी उपाय किए जाएंगे। साथ ही इसकी मदद से लॉजिस्टिक्स के खर्च कम होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता में सुधार होगा और मूल्यवर्धन और उद्यम को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस लॉजिस्टिक नीति से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा को सुधारने में मदद मिलेगी, साथ ही वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में सुधार होगा। इसकी मदद से भारत को एक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स बाजार के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से देश में रोजगार सृजन में काफ़ी मदद मिलेगी, अतः यह नीति रोजगार की संभावनाओं के लिए काफ़ी आवश्यक थी। यह नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को भी प्रतिस्पर्धी बनाएगी। अब हम बात करते हैं कि इस नीति की विशेषताएं क्या हैं। इसके तहत परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्यातकों को लंबी और कठिन प्रक्रियाओं से निजात मिलेगी। साथ ही इस नीति के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज ई-लॉग्स भी शुरू किया जाएगा, जो निर्यातकों के साथ साथ उद्योग संघ को काफ़ी मदद करेगी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की मदद से भारत में बने उत्पादों के लिए दुनिया के बाजार भारतीय उत्पादों की उपलब्धता को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ ही अंतर क्षेत्रीय और बहु क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क की मदद से लॉजिस्टिक लागत को कम किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।